बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2.11 करेंगे। 2.11 के दो पार्ट हैं। पहले में वो कहता है हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में हमने उस डाटा से हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करनी है। तो अब सबसे पहले हमें डाटा दिया क्या है, उसने जो डाटा हमें दिया है वो अनग्रुप डाटा है। अब उससे हमने सबसे पहले क्या करनी है, वो क्लासेस जो है वो बनानी है। अब क्लासेस बनाने के लिए हमारे पास है ना, जो हमें डाटा दिया हुआ है वो कितनी वैल्यूज हैं, बुक के अंदर वो 50 वैल्यूज दी हुई हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको जो है हमने क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है। अब ये क्लासेस के अंदर मैंने कैसे डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने का जो है वो फार्मूला क्या है, क्लासेस फाइंड करने का फार्मूला है 1+3.32 log ऑफ n। अब हमने इसमें वैल्यू पुट की 1+3.32 log ऑफ n की जगह हमारे पास 50 वैल्यूज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, log 50 लेके उसको 3.32 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। क्या हमारे पास कितनी क्लासेस बननी है, 7। तो मैंने कितनी क्लासेस बनाई हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 क्लासेस बनाई हुई है। अच्छा अब इसमें हमने दूसरे नंबर पे फाइंड करनी है रेंज। रेंज क्या है हमारे पास, जो मैक्सिमम वैल्यू है डाटा की उसमें से माइनस कर देना है मिनिमम वैल्यू को। मैक्सिमम जो वैल्यू थी डाटा की वो हमारे पास था 6.4 और मिनिमम वैल्यू थी 0.2। जब हमने इनको किया तो ये 6.2 आया। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, ये अप्रोक्सीमेटली जो इक्वल है वो किसके है, 6 के है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रेंज जो है वो कितनी है, 6 है या 6.2 उसको आप कह सकते हो। फिर हमने इसका इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल यानी कि ये जो क्लासेस हमने बनानी है 7 क्लासेस, इनके दरमियान में कितने का वक्फा होना चाहिए, कितना इंटरवल होना चाहिए, कितने का फर्क होना चाहिए। तो इंटरवल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ऊपर रेंज और डिवाइडेड बाय क्लासेस। तो अब रेंज हमारी कितनी थी, 6.2 और रेंज कितनी है हमारे पास, जो क्लासेस वो अप्रोक्सीमेटली 7 थी। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये 0.8। इसलिए मैंने इनके दरमियान में कितना फर्क रखा है, 0.8 का। 1 में से 0.2 माइनस करेंगे 0.8, 1.9 में से 1.1 माइनस करेंगे तो वो भी 0.8 ही आएगा। तो ये हमारे पास ये चीजें थी जो हमने पहले फाइंड करनी है, और फाइंड करके फिर ये चीजें क्लासेस बननी है। तो सबसे पहले मैंने ये सारी चीजें फाइंड करके कि क्लासेस कितनी बननी है, 7। उसके बाद रेंज निकाल के रेंज से मैंने इंटरवल निकाल लिया, हर क्लास के अंदर जो है वो कितने का इंटरवल होना है, 0.8 का, 0.8 का, 0.8 का। तो मैंने सबसे छोटी से स्टार्ट किया और आगे 0.8 के इंटरवल से दूसरी, फिर इसी तरह मैंने ये सारी क्लासेस बना ली। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी कि 0.2 से लेके जितनी भी 1.0 तक वैल्यू है उन सबको काउंट कर लिया। तो जब मैंने काउंट किया तो वो कितनी वैल्यूज आई, वो 6 वैल्यूज आई उसमें से, वो भी लिख ली। फिर 1.1 से 1.9 तक 14 है, 2.0 से लेके 2.8 वाली जितनी वैल्यूज है उसमें से अगर आप डाटा में से काउंट करते हो तो वो 16 आती है। 2.9 से 3.7 तक जो वैल्यूज आती हैं वो कितनी आती हैं, 7। उसके बाद 3.8 से लेके 4.6 तक जो वैल्यूज आती हैं वो 3 आती हैं। और इसी तरह ये वैल्यूज मैंने सारी निकाल ली और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट अब हमने सबसे पहले जो है वो क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का क्या फार्मूला है, क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में से हम क्या कर देते हैं, 0. ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 0.2, इसमें से माइनस कर देंगे 0.05 को। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.95। उसके बाद इसमें आपने माइनस करना है और इसमें बढ़ाना है, सॉरी इसमें ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 1.05। उसके बाद इसमें से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 और इसमें बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 1.95। फिर इसमें से कम करेंगे
0.05 को तो ये आ जाएगा 1.95, और इसमें हम बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 2. सॉरी हाँ, ये 2.785 हो जाएगा। फिर इसमें से काम करेंगे तो ये 2.85, और इसमें बढ़ाएंगे तो ये आएगा 3.75। फिर इसमें से हम काम करेंगे 3.8 में से 0.05 को, तो ये आएगा 3. कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख लिया है इसको, ये फोर्थ वाली वैल्यू है 2.85 और 3.75। अब इसके सामने ये वाली लिखते हैं, इसमें से काम करेंगे 3.8 में से 0.05 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75, और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.65। अब इसमें से माइनस करेंगे 4.7 में से, ये आएगा 4.65, और इसमें ऐड करेंगे तो 5.55। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5.6 में से 5 का 0.05 माइनस करेंगे तो 5.55 आ जाएगा, और ये इसमें ऐड करेंगे तो ये 6.45 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, वो पहले को हम एज इट इज लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही, फिर ये जो वैल्यू आई है इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 6 + 14 ये हो जाएगा 20। उसके बाद 20 + 16 ये वाला, इसमें ये ऐड करनी है तो ये 36 हो जाएगा। 36 में 7 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 में 3 ऐड करेंगे तो 46, 46 में 2 ऐड करेंगे तो 48, और 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाला आंसर होता है वो इसके इस सम के इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, गलत है। उसके बाद हमने इसका एक्स मिड पॉइंट निकालना है, उसका फार्मूला क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, 0.2 को ऐड करना है किससे, 1.0 से, और डिवाइड किस पे कर देना है आपने, 2 पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6, ये 0.6। इसी तरह अब हमने क्या करना है, अब हम करते जाते हैं, 1.1 में ऐड करना है 1.9, 1.1 + 1.9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 1.5। उसके बाद 2.0 में हमने ऐड करना है 2.8, और 2 पे डिवाइड कर देना है, 2.0 + 2.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 2.4। उसके बाद 2.9 में 3.7 ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, 2.9 + 3.7 डिवाइडेड बाय 2, ये 3.3 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 3.8 में ऐड करना है 4.6, 3.8 + 4.6 डिवाइडेड बाय 2, 4.2 आ गया हमारे पास। 0.7 में ऐड करेंगे 5.5 और 2 पे डिवाइड करेंगे, 4.7 + 5.5 डिवाइडेड बाय 2, ये 5.1 आ जाएगा। उसके बाद अब हम इनको करेंगे, ये क्या आता है हमारे पास, 5.6 + 6.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6.0 आ जाएगा। हमने x भी फाइंड कर लिया है, तो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी हमारी बात की है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इनकी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम जो है वो ड्राइव करनी है। अब हिस्टोग्राम के लिए ये क्या है, ये हमारे पास जो है
वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस में हम क्या लेते हैं हिस्टोग्राम के लिए। अब मैं हम हिस्टोग्राम जो है इसकी ड्रा करने लगे हैं, तो हिस्टोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उसमें हम क्या लेंगे, क्लास बाउंड्रीज, और वर्टिकल एक्सिस में हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पास हमारी जो क्लास बाउंड्रीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.15 से स्टार्ट हो रही है और 6.45 तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 0.15 और सेकंड हमारे पास क्या है, 1.05। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1.95। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2.85। नेक्स्ट 3.75। नेक्स्ट है 4.65। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5.55। और लास्ट वाली जो है वो हमारे पास है 6.45। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी मैक्सिमम 16 तक है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 से कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पे क्लास है वो कौन सी क्लास बाउंड्री है, 0.15 से 1.05 तक। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 6 है। ये यहाँ से लेके ये हमारे पास 6 वाली वैल्यू है। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपने 1.05 से 1.95 तक चेक करना है, तो वो कितनी वैल्यू है, 14। ये है हमारे पास 14। सेकंड भी आ गया। उसके बाद थर्ड है हमारे पास 1.95 से लेके 2.85 तक, वो है 16। 1.95 से 2.85 तक वो 16 वैल्यू है, और 16 हमारे पास ये है। हमने इसको भी ड्रा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2.85 से 3.75 तक, वो 7 वैल्यू है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितनी वैल्यू है, 7। ये 6 है तो इसके सेंटर में जो है ना वो 7 होगा। ये हमारे पास तकरीबन ये वैल्यू बनी। उसके बाद नेक्स्ट हम 3.75 से 4.65 तक देखते हैं, ये वैल्यू है इसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 3 है। तो ये 2 और इसके इधर सेंटर में 3, ये तकरीबन इधर आएगी आपके पास। उसके बाद अब हमने किससे देखना है, 4.65 से 5.5 तक, वो हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2 है। तो ये 2 है, ये हमारे पास 2 आ गया। और लास्ट वाली भी क्या है हमारे पास, वो भी 2 है, 5.5 से 6.4 तक। तो ये भी हमारे पास कितनी है, 2 है। ये हमारी क्या बन गई है, हिस्टोग्राम बन गई है, ये जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ था उसकी। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है। उसके लिए ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसमें हम एक्स लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6, ये आ गई 0.6। नेक्स्ट क्या है, 1.5, ये आ गई 1.5। 2.8, नेक्स्ट क्या है, 3.3। नेक्स्ट है 4.2, उसके बाद 5.1, और लास्ट वाली है 6.0। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है 0.6, उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी 6, तो ये है, ये हमारे पास आ गई 6। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वैल्यू कितनी थी 1.5, और उसकी वैल्यू कितनी है 1.5 में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 14, तो ये है 14 इसके सामने आ गया। उसके बाद 2.8 में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 16। नेक्स्ट 3.3 में हमारी वैल्यू है 7, ये 3.3 है और ये 6, और इसके ये आ गया 7। फिर 4.2 में 3 है, 4.2, और ये हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या है 5.1, उसमें हमारी वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारे पास आ गया 2। और लास्ट वाली भी क्या है 6.0 में भी कितनी है 2 ही है, तो ये आपके पास 2 पे आपने पॉइंट लगा लिया। क्योंकि मैंने बताया था जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होती है उसमें हम पॉइंट लगाते हैं फर्स्ट 0 से ये, फिर इसको सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, आगे फोर्थ वाले पॉइंट के साथ, फिर इसको अगले पॉइंट से, इसी तरह मिलाते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गई है इस डाटा की, जो हमें डाटा गिवन दिया हुआ था उसकी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बन गई है। अब बेटा हमने इसमें सबसे पहले डाटा की क्लासेस बनाई थी, उसके लिए मैंने आपको रेंज निकालना बताया कि नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकालते हैं, लॉग वाले फार्मूले से बताया। उसके बाद हमने जो है उनके दरमियान में इंटरवल जो है वो कैसे निकालते हैं वो सारा करके, फिर उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाई, फ्रिक्वेंसीज बनाई, कम्युनेटिव फ्रिक्वेंसीज, मिड पॉइंट निकाले और हिस्टोग्राम, और उसके बाद क्या हमने किया था जो है वो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन।